गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टुडे नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्टिंग अ डेली करंट अफेयर क्लास। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्टिंग अ डिस्कशन ऑफ द क्वेश्चंस। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय डाक दिवस कर्मचारी दिवस को मनाया गया 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस के बाद। जब बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय डाक दिवस के बारे में, ये कब मनाया गया था? ये मनाया था गया था 1 जुलाई को। हाल ही में वी वेणु को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया? ये केरल का नियुक्त किया। इसके गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन। पैरागॉन रेस्तरा को दुनिया का 11वां सबसे प्रसिद्ध रेस्तरा नामित किया गया। केरल पूरी तरह से ई गवर्नेंस घोषित किया गया। NCV ने केरल के तट पर 2500 किलोग्राम ड्रग्स जब्त किया। केरल ने अपना संस्थागत रैंकिंग ढांचा शुरू किया। केरल ने गर्मी और पानी की कमी से समस्या से निपटने के लिए पहली बार जल बजट बनाया। हाल ही में DB ने नीतिगत सुधारों के लिए किस देश को $50 मिलियन ऋण देने को मंजूरी दी? नेपाल, जिसकी राजधानी क्या है? काठमांडू। बोटो यात्रा उत्सव नेपाल में मनाया गया है। नेपाल ने 2025 तक विशेष पर्यटन नववर्ष के रूप में मनाया जाए। ACC मेन्स प्रीमियर कप नेपाल ने जीता है। नेपाल में जीत गढ़ी पर मनाया गया है। नर प्रसाद साउद ने नेपाल के नए विदेश मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है। हाल ही में भारत ने पहले स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन कहाँ शुरू हुआ? ये गुजरात, जिसकी कैपिटल क्या है? गांधीनगर। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल। US चीप की दिग्गज कंपनी माइक्रोन भारत में गुजरात में सेमीकंडक्टर असेंबली स्थापित करेगी। राज्य स्तर पर योग सत्र के लिए सबसे अधिक लोगों के एकत्र होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सूरत में बना। स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले गुजरात शीर्ष पर रहा। गृह मंत्री अमित शाह द्वारका में नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिस कैंप्स की आधारशिला रखी। सांख्यिकी और कानून मंत्रालय के अनुसार F23 में गुजरात ने MPL लैंड फंड का सबसे अच्छा प्रयोग किया। नेक्स्ट आती है स्लाइड के ऊपर। हाल ही में किसी प्रतिष्ठित पेन प्रिंटर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? माइकल रोशेन। प्रिया AS को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 मिला। KA वेणुगोपाल को IMA पुरस्कार मिला है। प्रधानमंत्री मोदी को मिस्र के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया। प्रथम कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पंडित PD बाउल को सम्मानित किया। दीक्षा डागन ने चेक लिट गोल्फ किताब जीता। हाल ही में किस राज्य के पूर्व डिप्टी स्पीकर देवीर सिंह का निधन हो गया? पंजाब। अनुराग वर्मा पंजाब के मुख्य सचिव बने। चलने के अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य पंजाब बना है। पहला राज्य स्तरीय झींगा मेला पंजाब में हुआ। उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना का उद्घाटन चंडीगढ़ में किया। राखी गुप्ता भंडारी ने पंजाब के राज्यपाल के रूप प्रधान सचिव का प्रभार संभाला। हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने नस्ल आधारित कॉलेज प्रवेश को पलट दिया? अमेरिका। अमेरिका ने न्यूयॉर्क शहर में दिवाली पर स्कूलों की छुट्टी का ऐलान किया गया है। भारत और अमेरिका ने नई पहल अच्छा पहल इंड्यूस एक्स लॉन्च किया है। इवको ने नैनो लिक्विड यूरिया के निर्यात के लिए अमेरिका के साथ समझौता किया है। अमेरिका भारत में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोलेगा। अमेरिका जुलाई 2023 से यूनेस्को में शामिल होगा। हाल ही में गार्नेट डॉलर को किस कंपनी ने प्रबंध बोर्ड के CEO के रूप में नाम किया गया? ऑडी को। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आते हैं। हाल ही में GSI द्वारा किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क खोला गया? उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। उड़ीसा में कृषि त्यौहार राजा मनाया गया। भला जनजाति खेल महोत्सव उड़ी भुवनेश्वर में संपन्न। उड़ीसा के कपिलेश्वर मंदिर को ASI के संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने स्टेट डैशबोर्ड CM डैशबोर्ड लॉन्च किया। कोच जनजाति दल उड़ीसा में बिहान मेला मनाया गया। उड़ीसा सरकार ने आदर्श कॉलोनी पहल लॉन्च की है। हाल ही में महिला CPL के साइन अप करने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी? श्रियंका पाटिल। हाल ही में एल्फ मॉडल 21 द्वारा प्रमाणित दुनिया के पहले इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार बनी है अमेरिका। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जगन्ना अम्मा उड्डी योजना शुरू की? आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश में पहला साहीवाल बछड़ा सर्वसी के माध्यम से पैदा हुआ। आंध्र प्रदेश ने पुरातत्वविद द्वारा मध्यपाषाण युग रैंकिंग पेंटिंग की खोज की। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सी
हरिया संग्रहालय का उद्घाटन किया। आंध्र प्रदेश में मुल्लापेटा ग्रीनफील्ड पोर्ट के निर्माण की शुरुआत हुई। ADR की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश राज्य दक्षता सूचकांक 2022 में शीर्ष पर रहा। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद। अगली स्लाइड के ऊपर आते हैं। हाल ही में CBI का विशेष निदेशक नियुक्त किया गया अजय भटनागर और प्रभाग पंजाब के मुख्य सचिव बने। DBS बैंक के रजत वर्मा को प्रबंध निदेशक के रूप में नामित किया गया। रूबी सिन्हा को BRISCC महिला वेंटिकल अध्यक्ष नियुक्त किया गया। दिल्ली विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष उमेश कुमार को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने 101 वर्षीय सिख बुजुर्ग को पॉइंट्स ऑफ लाइफ अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। ब्रिटेन के गायक संगीतकार शंकर महादेवन को ब्रिटेन में डायरेक्टरी की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। UK के जैन मैरिट को पाकिस्तान में पहली महिला दूत के रूप में नियुक्त किया गया। UK ने लाखों फोन पर आपातकालीन अलर्ट सिस्टम का परीक्षण किया। हाल ही में डाय लिट ने किस वरिष्ठ सलाहकार को नियुक्त किया? मनोज कोहली को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्न थे, क्वेश्चंस थे, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। यही सहयोग, यही डेलीगेशन इस परिवार, इस यूट्यूब चैनल ER.M नीतीश क्लासेस के ऊपर बनाए रखिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें। मैनी पर्सन वी कैन टेक एडवांटेज ऑफ दिस टाइप ऑफ वीडियो, सो इज दिस टाइप ऑफ वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू टू वॉच माई वीडियो एंड सब इफ यू आर इंटरेस्टेड देन यू कैन सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल ER.Amitesh क्लासेस। दिस क्वेश्चन इज वेरी हेल्पफुल फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। वी आर अ फैमिली, ऑलवेज यू रिमेंबर। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।